सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपके लिए वाटर कलर की कुछ टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। जो भी लोग वाटर कलर बिगनर्स हैं उनके लिए आज की जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ टेक्निक्स हैं वाटर कलर की जिसके बारे में आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे स्टार्ट करते हैं वाटर कलर। जिन लोग को वाटर कलर में प्रॉब्लम होती है ये वीडियो उनके लिए भी है। जिन लोग को वाटर कलर आता है, हो सकता है कि आज की क्लास के बाद आपका कुछ पार्ट थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए, यानी कि आपको कुछ और अच्छा सीखने को मिल जाए। जो अभी तक आप मिस्टेक्स कर रहे होंगे उसके बारे में आपको जानने का मौका मिल जाएगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ टेक्निक्स के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को वाटर कलर करते हुए देखा है। लोग किस तरीके से ब्रश चलाते हैं, कैसे कलर मिक्सिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर वो लोग मिस्टेक करते हैं। आज हम उन्हीं मिस्टेक्स के पे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को, और वो चीज़ मैं करके भी दिखाऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे कलर स्टार्ट करते हैं वाटर कलर में, क्या ज़रूरी होता है कि कौन सी कलर स्कीम, इन सब चीज़ के बारे में आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कुछ कलर्स हम पिक करते हैं, और पहले मैं आप लोग कुछ चीज़ बना के दिखाऊंगा कि कलर स्प्रेड कैसे होता है पेपर पे, और पेपर और कलर क्या कॉम्बिनेशन है, क्या पेपर उसके लिए बेस्ट है जिस पे आप पेंटिंग कर रहे हो। तो आज जो मैंने पेपर लिया हुआ है चित्रपट पेपर है, और इस पे बहुत टाइम से मैं काम भी कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पहले हम एक ब्लॉक बना लेते हैं जिसके अंदर मैं आपको वर्क करके दिखाऊंगा। देखो, ब्लॉक बनाने का मेन पर्पज़ क्या होता है? देखो, एक हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि ब्लॉक बनाने का एक पर्पज़ क्या है। जैसे कि आपका पूरा एक अट्रैक्ट कर लेता है ब्लॉक कि हाँ, इसके अंदर ही आपको वर्क करना है। तो सबसे पहले चीज़ हम कलर्स के बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ तो कि मिक्सिंग, मैंने बहुत सारे लोग को देखा अलग तरीके से ब्रश चलाते हुए, सबका अपना अलग अलग मेथड होता है। मैं किसी की मेथड को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो अभी तक आप गलतियाँ कर रहे हो उसके बारे में आपको मालूम हो। ओके, तो अभी जैसे कि मैं कोई भी कलर पिक कर लेता हूँ, कोई भी, और अभी मैंने मॉप ब्रश से वर्क कर रहा हूँ, एक टर्कवाइज ग्रीन शेड है मेरी कलर पैलेट में। देखिए, जब आप पेपर पे, देखो दोनों चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूं, जब आपने पेपर को वेट नहीं किया है, देन आप इसके ऊपर स्ट्रोक्स अप्लाई करते हो, तो ड्राई फॉर्म में चीज देखो आपको दिखती है। मतलब आपको पूरा टाइम देना होता है इस चीज को पूरा फिल करने में। अगर आप देखो स्ट्रोक्स इस तरीके से, ठीक है, लोग बोलते हैं कि ड्राई स्ट्रोक कैसे दिया, किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ 270 GSM रफ पेपर है, 100% कॉटन चित्रपट पेपर, तो इस तरीके से इफेक्ट देखो। यानी कि उस पूरे पेपर को फिल करने के लिए हमें ज़्यादा ज़्यादा वाटर लेना पड़ेगा। अगर आपको ड्राई इफेक्ट इस तरीके से दिखाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसका एक बेस्ट सोल्यूशन और भी है। देखो, वही सेम चीज़, अगर मैं इसमें और वाटर ऐड करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कोई बताता भी नहीं है, इसलिए मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। अगर मैंने, जैसे मान लो मैंने ये कलर लिया, चलो मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, अब देखो मैं ऐसे अप्लाई करूँगा, ज़्यादा वाटर से क्या होता है, ये ज़्यादा एरिया को कवर करता है चीज़ों को, अभी आप देख सकते हो, ठीक है। दोनों इफेक्ट, अगर आपको ड्राई इफेक्ट देना है तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप थोड़ा सा वाटर कम लो जिससे थोड़ा ड्राइनेस वाला फील आए, और अगर आपको ड्राई इफेक्ट नहीं देना है, पूरा आपको फिल करना है, तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि स्ट्रोक कैसे अप्लाई करना है, ड्राई इफेक्ट देना है तो आप ऐसे वर्क कर सकते हो, या जैसे अगर आपको फ्लैट फील दें तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके आगे कैसे काम करें, हमारे लिए कलर स्कीम क्या है, या वाटर कलर में किस कलर स्कीम को लेकर काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठते हैं। सबसे पहला मेरा आप सबको यही बोलना है कि वाटर कलर में आपको लाइट टू डार्क चलना होता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, जैसे मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ। लाइट टू डार्क कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि मैं कोई भी लाइट शेड अप्लाई कर रहा हूँ पेपर पे, पहले मैं ऐसा करता हूँ कि एक लाइट कलर अप्लाई करता हूँ, कोई भी कलर आप ले सकते हो, ट्राई जरूर कीजिएगा, देखिएगा कैसा इफेक्ट है। जैसे मैं ये ले रहा हूँ येलो ऑकर, ठीक है, एक लाइट शेड। और आप लोगों को कलर्स के नेम भी याद होने चाहिए। सो दिस इज येलो ऑकर शेड, इसको पूरे पेपर में फिल कर देते हैं, ठीक है, सॉरी पूरे पेपर, एक पूरे ब्लॉक के अंदर इस तरीके से। ये
जैसे मैंने पूरे को फिल कर दिया। अब देखो एक चीज़ बहुत, जैसे मैंने क्या बोला कि लाइट टू डार्क चलता है, अगर मैंने डार्क कलर बेस में अप्लाई किया होता तो क्या लाइट इसके ऊपर ओवरलैप उतना स्प्रेड हो पाता अच्छे से। अब वो एक बात अलग की कि आपने पूरा ओपेक शेड लिया उसके ऊपर अप्लाई करो फिर तो वो एक अलग चीज़ हो, लेकिन फिर भी उतनी फ्रेशनेस नहीं आती कलर में। अब जैसे कि मैं इसके ऊपर डार्क कलर अप्लाई करूँगा, जो सही मेथड है मैं आपको उस तरीके से गाइड कर रहा हूँ। देखो हर एक एक छोटी छोटी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोग उस चीज़ फोकस नहीं करते हैं, बस उनको लगता है कि जल्दी से हम काम कंप्लीट कर लें, लेकिन बाद में जाकर के वो चीज़ एक अलग इफेक्ट क्रिएट करती है। मतलब मींस काम तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन वो एक बढ़िया वाला फील नहीं आ पाता है। अब जैसे कि मैं इसके ऊपर कोई भी डार्क कलर देखो अप्लाई कर रहा हूँ, कलर कैसे स्प्रेड होता है आप उस चीज़ को देखो। जब आप किसी लाइट के ऊपर कोई डार्क इफेक्ट देते हो, ठीक है, या कोई भी उसका एक, मैं नहीं कहूँ प्रॉपर एकदम ब्लैक कलर ही यूज़ कर लो, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, तो जो उसकी जो बैकग्राउंड की जो लेयर की जो फ्रेशनेस वो बनी रहती है। अभी मैंने ये डार्क कलर किया होता, अब इसके ऊपर मैं येलो अगर करता क्या ऐसा फील आ पाता? नहीं आ पाता ना, देखो इस तरीके से। ये एक बेसिक लेसन है बिगनर्स के लिए। देखो पहले पेंटिंग एक बात का पार्ट, उसको भूल जाओ कि पेंटिंग करनी है, लैंडस्केप बनाना है, पोर्ट्रेट बनाना है, वो सब एक बात का पार्ट होता है। पहले एटलीस्ट वाटर कलर चलाते कैसे ये तो आपको आना चाहिए ना, यही नहीं पता है तो फिर क्या फायदा, आप बताइए। ये चीज काफी हेल्प करती है। अभी देखो इस चीज को, एक फील आ रहा है, एक लाइट फील आ रहा है। आप सभी को चीज दिख रही होगी उम्मीद करता हूं कि किस तरीके से हम उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं पेपर पे। हर चीज का इंपॉर्टेंस रोल होता है, डिपेंड करता है आप अप्लाई कैसे कर पा रहे हो। जैसे मैंने इस तरीके से किया, अभी जैसे मैं चाहो तो रेड कलर लेकर के, रेड कलर में भी करके देखते हैं, उसका एक अपना अलग फील आएगा। एक आर्टिस्ट वो नहीं है कि जो पेंटिंग अच्छी बना लेता है, आर्टिस्ट वो भी है, मतलब सबका अपना अपना एक फील है। आर्टिस्ट पेंटिंग अच्छा करना है अलग, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन करना भी एक अच्छे टीचर की भी क्वालिटी होती है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, एक बात बता रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे करना है, हर चीज़ का आपको एक फील आना चाहिए। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर अप्लाई कर देता हूँ, देन फिर इफेक्ट देते हैं, हर चीज़ का देखो जैसे थोड़ा सा अलग अलग जगह से रैंडम मैंने स्प्रेड करी है वो चीज़, इसमें मैं दूसरे टाइप से करूँगा क्योंकि कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है वाटर कलर में। लोग सिर्फ पेंटिंग पूरा फोकस करते हैं बट कंट्रोलिंग बहुत मैटर करती है। जैसे कि मान लो, चलो पूरे में ना करके ऐसे मैंने रेड कलर अप्लाई किया, देखो ऐसे, ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे मैंने रेड कलर अप्लाई किया। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको लग रहा है ये क्यों कर रहे हैं, क्या किस लिए, ठीक है, अभी देखना इफेक्ट। जैसे मैंने कलर अप्लाई कर दिया, ओके, तो अब इस पर कैसे अगर बीच में वाइट लेयर में करना आपको लगता है कि ज़्यादा स्प्रेड ना हो, तो आप जो भी कलर बनाओगे इसका डार्क होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइट अप्लाई नहीं, होने को तो हो जाएगा, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो सही मेथड है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं ले रहा हूँ मॉप कलर, देखो अगर कम वाटर होगा तो अपने आप वो चीज़ एक लिमिट एरिया में स्प्रेड होगी, जैसे कि ये, अब देखो वही बात है ना, मेन टेक्निक भी आनी चाहिए। अगर मैंने ज़्यादा वाटर्स में लिया होता, हो सकता है ये पूरे को रेड कलर को पूरा हाइड कर देता, बट अभी देखो वो चीज़, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में। पहले ऐसे ही ट्राई करो, मेरी वाटर कलर क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं मेरी क्लासेस, अगर आपको मेरा प्रॉपर कोर्स ज्वाइन करना है, तो मैं आपको सिर्फ टेक्निक्स बता रहा हूँ कुछ चीज़ें बेसिक तरीके से, लेकिन एक प्रॉपर एक कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9559480989, तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। अभी जैसे कि ये, इसका मैं ड्राई होने का वेट कर रहा हूँ, अभी प्रॉपर तरीके ड्राई नहीं हुआ है। जैसे कभी कभी क्या होता है, दो लेयर मर्ज हो रही ना, अगर इसमें आप देखो दो लेयर मर्ज हो रही हैं, ठीक है, लेकिन एक फ्रेशनेस बनी हुई है, ऐसा भी नहीं हो रहा कि पूरा रेड हाइड हो गया हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि
लेयर मर्ज ना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, पहले आपको बेस को प्रॉपर ड्राई होने देना है, या इसके लिए आप ड्रायर यूज़ कर सकते हो, बट मैं ड्रायर यूज़ नहीं करता हूँ, 99.9% मैं ड्रायर यूज़ नहीं करता हूँ, 1% भले ही, या मतलब कि 0.1% समथिंग मैं यूज़ कर लूँ, एक बात अलग की है, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हो चीज़ों को, बेसिक चीज़ें हैं, बट वही बेस अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा अपने आप मकान गिर जाएगा। ऐसे ही वाटर कलर में भी आपको बेसिक चीज़ नहीं मालूम होगी तो प्रॉब्लम होगी ना, ओके। तो अभी इस चीज़ इन्हीं सब चीज़ों की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ। अब इस पर काम रह गया है, ये बेसिक वाटर कलर लेसन है। विदाउट ड्राइंग में आपको एक छोटा सा कुछ एक इफेक्ट, एक स्केच टाइप बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने येलो ऑकर ले लिया, ठीक है, मैंने वाटर अप्लाई नहीं किया बेस में, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ इस चीज को। ओके, मैंने येलो ऑकर शेड लिया, देन एक डार्क कलर ले रहा हूँ, आप इस तरीके से चीज़ को देख सकते हो। जितना मैंने अभी आपको करके दिखाया है हर चीज़ को उसी तरीके से अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, कि सिर्फ बताना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके आगे कैसे और कैसे काम करेंगे उसकी हेल्प से ही ज़रूरी होता समझना। ट्राई ज़रूर करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थोड़ा ड्राई इफेक्ट देखो कैसे चीज़ों को किस तरीके से करते हैं काम। आई होप देख के आपको कुछ ये समझ में आ रही होंगी कि जो आप मिस्टेक करते हो खासकर एक सॉफ्टनेस फील कैसे आ रहा है। सिर्फ नॉर्मल एक इफेक्ट करके दिखाया है, कैसे भी पेंटिंग नहीं करी है, नॉर्मली एक इफेक्ट। एक बेसिक स्केच है, इसकी हेल्प से मैंने किया है, ओके। तो अभी आप इफेक्ट देख सकते हो कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, किस तरीके से बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। बैलेंसिंग आना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा मिक्सिंग एंड थोड़ा बैलेंसिंग का पार्ट, कंट्रोलिंग, ओके। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि क्या क्या ज़रूरी होता है खासकर। और अभी जैसे कि एक चीज़ और मैं करके दिखाता हूँ आपको, जिसमें डायरेक्टली कलर अप्लाई किया था, अभी मैं जैसे कि वाटर अप्लाई करता हूँ, तो दोनों इफेक्ट देखिएगा उस चीज़ को। दूसरे कलर में उस चीज़ को हम ट्राई करके देखेंगे, जैसे क्लीन वाटर, पहले जब हम पेपर पे क्लीन वाटर अप्लाई कर देते, उसका एक बेसिक पार्ट क्या होता है, जब आप वाटर अप्लाई करते तो वो पेपर की लेयर को मतलब एक मॉइस्चर नहीं बोलेंगे, मतलब पूरा वेट कर देता है। वेट तो ऑफकोर्स मतलब पानी लगाओगे तो वेट तो हो ही जाएगा, लेकिन एक बेस बना देता है जिससे कि कलर और अच्छे स्प्रेड हो जाए। अगर मैं कलर को डायरेक्टली अप्लाई करता तो मेरे थोड़ा सा और इफर्ट डालने होते कि लोग पूरे में अच्छे तरीके से फैल जाए, लेकिन वाटर क्लियर अप्लाई कर देने से वो एक बेस तैयार हो गया, ठीक है, जिससे कि आप मिक्सिंग बहुत ईजिली कर सकते। जैसे कि कैनवस में क्या करते हैं, टेक्स्चर वाइट अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारा बेस अच्छे तैयार हो जाए, जब हम कलर मिक्स करें तो पेपर कलर को ज़्यादा मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करें, ठीक है, ओके। तो मीन्स कैनवस की बात कर रहा हूँ, ऐसे पेपर में जब मैंने वाटर अप्लाई कर दिया तो आप इजीली इस पर कलर अप्लाई कर सकते हो, स्मूथली वो चीज़ स्प्रेड हो जाएगी। अभी जैसे कि मैं कोई भी डिफरेंट शेड लेकर के, जैसे कि मान लो कोई और ले लिया डिफरेंट शेड, अभी आप ये देख सकते हो इफेक्ट,
मतलब बहुत हल्के हाथ से भी काम करेंगे तो फील आ रहा है ना। पहले कोशिश किया करो लाइट कलर पहले अप्लाई करने का, उसके बाद डार्क। अब देखो करने को तो आप फिर कैसे भी कर सकते हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर चीज़ का एक सही तरीका होता है ना। पहले जो मैं बिगनर्स के साथ बता रहा हूँ चीज़ों को, देखो एक बार चीज़ों को आप जोड़ना सीख जाओगे तो ब्रेक करना अपने आप आसानी से आ जाएगा, लेकिन आपको जोड़ना ही नहीं आता, ब्रेक करने में लगे हो तो कहीं ना कहीं आगे जाके फंसोगे ज़रूर, आज नहीं तो कल पक्का फंसोगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हर चीज़ थोड़ा बेसिक से ट्राई करेंगे। देखो एक ड्राई फील कितना बढ़िया इफेक्ट आ रहा है। देखो ट्राई तो करना पड़ेगा आप ही को, मेरे बताने कुछ नहीं होगा। और जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ चीज़ों को, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम पे एक चैनल भी है सैंकी आर्ट करके, उसमें टैग कीजिएगा। अगर जैसे भी आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो तो उसमें कमेंट जरूर करिएगा, जैसा भी आपको लगा हो। और मेरे पेज में आप टैग कर सकते हो मुझे, SHNKYART, ये पेज का नाम है मेरे। कुछ बेसिक टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि लोग मोस्टली इन सब चीज़ों बसते हैं, उनको लगता है कि हम डायरेक्टली पेंटिंग करें, बट ऐसा नहीं है। हर चीज़ का इंपॉर्टेंस रोल है। जैसे मैंने अभी आपको ये चीज़ करके दिखाई, तो जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि अब लेयरिंग में अगर काम करना है आपको, बहुत सारे लोग लेयरिंग में काम करना चाहते हैं, होता है, बट कोई नहीं। अगर जैसे मान लो जितनी ये लाइट लेयर दिख रही है, अब इससे लाइट तो हम कलर अप्लाई नहीं करेंगे, बनी सी बात है, तो इससे डार्क जो भी कलर्स के ऊपर हो उससे डार्क ही होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक कलर लिया, मैं दूसरा ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। अगर लाइट शेड होता हो सकता था वो उसको हाइड कर देता, उस इफेक्ट को, देखो उस तरीके से। हर चीज़ का एक इम्पॉर्टेंस रोल है। बस अगर आपने एक बार, एक होता ना जैसे कि हम रोड पे चलना सीख लेते हैं ना, ऐसे वाटर कलर में जैसे कि आप प्रैक्टिस करते रहो, गिरोगे भी उठोगे भी, ख़राब भी होगा कभी कभी, अच्छा भी होगा, ठीक है। हर चीज़ जब तक इंसान गिरता नहीं तब तक वो सही तरीके से चल भी नहीं पाता है, तो ख़राब भी होंगी चीज़ें, लेकिन आ जरूर जाएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। कोई पेंटिंग नहीं बताई मैंने आपको, बेसिक टेक्निक्स बताई हैं, ट्राई करिएगा, देखिएगा कैसा इफेक्ट हो रहा है। कुछ लोग मैंने देखा है कि पेंटिंग जैसे कर रहे हैं, अप्लाई करते हैं, वाटर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। तो आप खुद ये सोचो कि जब एक बेस में मान लो मैंने वाटर अप्लाई किया, देखो जब मैंने बेस में एक वाटर अप्लाई किया इस तरीके से, ठीक है, तो अगर ज़्यादा मैं वाटर लूँगा नेक्स्ट स्टेप में, यानी इसके ऊपर जो मैं कलर अप्लाई करूँगा, अगर उसमें ज़्यादा वाटर होगा तो सिंपल ज़्यादा पूरे को हाइड कर देगा। लेकिन जैसे कि अगर मैं कोई एक दूसरा शेड ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ हल्का सा सेरुलियन ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो वाटर बहुत ज़्यादा है, आप देखो मेरी कलर पैलेट में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा और पानी थोड़ा सा और कम हो गया। कलर जैसे आपने पिक किया, वाटर में डिप नहीं करना आपको, अपने आप वो चीज़ थोड़ी सी वाटर कम हो गई। अभी देखो जैसे कि ऐसा इफेक्ट, जैसे मैंने पैच लगाया, जहाँ लगाया तो वहीं पर रुका हुआ है, थोड़ा बहुत स्प्रेड हो जाएगा थोड़ा सा कुछ मिनट में, लेकिन फिर भी एक फील ऐसा। देखो इस इफेक्ट, अगर मैंने ऐसे लाइन दी, ये भी देख सकते हो इफेक्ट, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने देखो ऐसे लाइन दी, वाटर है, लेकिन इफेक्ट देखिए उस चीज का, ये देखो पानी है बेस में। अभी आप लोग करते हो सकता था बोरे में फैल जाती है वो चीज़, अब देखो इस चीज़ को ऐसे, ट्राई जरूर करिएगा, देखिए कैसा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ट्राई कीजिएगा, देखिए कैसा आप कैसा कर लेते हो। और जिन लोग को मेरी वाटर कलर क्लास ज्वाइन करनी हो, प्रॉपर एक कोर्स होता है, बेसिक से पूरा एक इंटरमीडिएट तक का पूरा एक कोर्स होता है, उसमें लैंडस्केप ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, फिगर स्टडी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जिनको, मैं नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ अपना,
80989, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिनको क्लास से रिलेटेड इंक्वायरी लेनी है तो वो बात कर सकते हैं मेरे से। एंड स्केचिंग की मेरी क्लासेस होती हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको आज की क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी, मतलब आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और जब आप ट्राई करोगे तो सिर्फ देखने से नहीं, सिर्फ जब आप ट्राई करोगे देखोगे कि आप पहले क्या गलतियाँ कर रहे थे, क्या ध्यान रखना है आपको इन सभी चीज़ों का, तो देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग से एंड तक अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कभी, जब इसके बाद जो आएगा। सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके फिर, बाय बाय, थैंक यू।